तो इस एपिसोड की शुरुआत इन दोनों से, इन दोनों पे अटैक यहाँ पे हो रहा था, इन दोनों की फड़ के चार क्या रही यार, भाई बचाने आ नहीं रहा, ओयंग भी यहाँ पे जो जो से हमला की जा रही है यार, हम लोग क्या करें, लगता कि हमको जो मेन कटन उसको पकड़ कर उसको अपना गुलाम बना के ब्लैकमेल करना चाहिए, यहाँ पे इसको हमने पकड़ लिया, हमको छोड़ देना, इसको जहाँ से मार डालेंगे। तो ऐसा करने के लिए एक कीड़ा यहाँ पे था मधुमक्खी जैसा, उसको निकाल लेते हैं तो ये मधुमक्खी पे ध्यान देने लग जाती है उसको पकड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो ध्यान मधुमक्खी पे चल जाता है, इन दोनों पे नहीं रहता। तो इन दोनों में जो फेंग है ना, वो फेंग पीछे से आ जाता है, कहते हेलो सीनियर कैसी हो, मरो, इतना बोल कर ना उसके पेट के आर पार ना अपना कुछ आर्टिफैक्ट यहां पे था, उससे हमला करता है, जिससे वहां पे भी होश हो जाती है। दूसरी ओर जो कि हमारा मेक कटर अपना रिफाइनिंग कर रहा था, उसके सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, ये जो पूरा प्रोसेस था ना, पूरा प्रोसेस यहां पे पूरा हो गया और आपको जो करना आप कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा 5 स्टार दे सकते हो। ये भी कहता चलो फाइनली ये पूरा खत्म यहां पर हो गया। सामने से फेंग भी देखता कि अरे यार हमने कीड़ा भेजा था इसको रोकने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, लेकिन इसका तो काम यहां पे पूरा हो चुका है, अब हमारा क्या होगा यार, अब तो इसको मारना भी मुश्किल हो गया। ओके, इसको मारना मुश्किल हो गया, लेकिन ओयंग यहां पे सही सलामत, इसको तो जहां से हम मार ही सकते हैं ना, तो ओयंग को पकड़ लेता है उसको जहां से मारने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर बड़े तेजी के स्पीड से भाग के जाता है और उसको बचा लेता है और उसको गला काट देता है इस बंदे का, और कहता है कि भाई कब से मैं देख रहा हूं तुम लोग मेरी जान निकालना चाहते हो, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा था, सीनियर बार बार मुझे बचा ली थी, बार बार धमकी दे रही थी, अगर तुम सुधर जाते तो जिंदा रहते, लेकिन तुम नहीं सुधरे इसलिए मरो। अब जो शोइंग था ना उसके पास आता, कहते बेटे तू भी गया, अब वो भी कहता सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देगा, तुमने मुझे छोड़ दिया ना, मैं बस जो भी सोना चांदी पैसे वैसे सब मैं तुमको यहाँ पे दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जहां से ना मारो। ये कहते बेटे तुम मरेगा, ये ले इतना बोल को उसको जहां से मार डालता है। फिर ओयंग से कहते ओयंग आर यू ऑलराइट, तुम ठीक हो ना, ये होश में आ चुकी थी, कहती यस आई एम ऑलराइट, थोड़ा सा चोट यहाँ पे लगा, जो भी चोट है ना उस सारे का सर चोट बहुत जल्दी ठीक यहाँ पे हो जाएगा। जो कॉफिन के अंदर की आत्मा थी वो लड़की, वही हमारा मैं कहता है कि हाँ भाई ये लड़की ने तुम्हारे ढेर सारे स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे कंज्यूम कर लिया है, इसको वापस भेजने में यहाँ पे भलाई रहेगी, हाँ तो उसको वापस यहाँ पे भेज दिया जाता है। वो जैसे यहाँ पे वापस भेज दिया जाता है, हमारे मेक कटर की बॉडी में तकलीफ होने लग जाता है, देख सकते हैं चेहरे पे ना धीरे धीरे ऐसे कट के निशान बनता है, इसको चक्कर वक्कर आती है, डायरेक्ट जो यहाँ के बड़े बड़े अरमान है ना अरमानों पर गिर जाता है, और जैसे अरमानों पर गिरता है 2 सेकंड के लिए बेहोश हुआ था, होश में आता कहता हूँ माय गॉड ये कहाँ गए हम, बड़ा सॉफ्ट यहाँ पे फील हो रहा है, अरे सॉरी अरे मुझे क्या हो गया था, ये बताती भाई तुमने अभी है ना फायर यहाँ पे ऑब्जॉर्व किया था, रिफाइन किया था, रिफाइन करते ना तुमने अटैक कर दिया था, तुमने लड़ाई झगड़ा यहाँ पे कर लिया था, तो उसी के चक्कर में ना तुम्हारे बॉडी में फर्क अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाया, चोट लग गया, तुम्हारा जो 100 टेक्निक है भाई जिसकी तुम प्रैक्टिस करते हो उसको एक्टिवेट करो, वो ही तुमको ठीक यहाँ पे कर सकता है। तो ये भी सामने से कहता ओके ठीक है समझ गया, मनी मन सोचता भाई मेरे पास तो वो औकात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, वो सिस्टम से बोलूंगा सिस्टम यहाँ पे कर सकता है, लेकिन सिस्टम है ना अपनी औकात से बाहर यहाँ पे चल जाता है, इसलिए कहता सुनिए तो जो 100 टेक्निक है उसकी प्रैक्टिस करने वाला हूँ इसको ठीक करने के लिए, हाँ तो जैसे मेरा यहाँ पर होगा ना मुझे जो से थप्पड़ मार दीजिएगा। ये कन्फ्यूज हो जाती है कि थप्पड़ भला क्यों मारूं, लेकिन बाद में एग्री कर देती है थप्पड़ इसके लिए ताकि मैं होश में अच्छे से आ पाऊं। तो सिस्टम से कहते चलो सिस्टम यार जल्दी से जो शॉट की प्रैक्टिस है यहाँ पे करवा दो, सिस्टम यहाँ पे लिख के बताता हूँ माई गॉड इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ब्लड एसेंस यहाँ पे चाहिए, ब्लड एसेंस यहाँ पे नहीं है आपके पास, तो हम आपको फ्री में ना 2 फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदों का ब्लड एसेंस देना चाहेंगे। ये भी कहता मुझे लगा ही था, तो ये दोनों बंदे जिनके जाने के लिए थी उनके अंदर जो ब्लड एसेंस ना ब्लड एसेंस चूस के हमारे मेकअप के बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे इसका जो भी चोट जो कुछ यहाँ पे था ना सारी चीजें यहाँ पे रिकवर हो जाती है। फिर पीछे से ना किसी का हाथ आता है, तो ये भी कहता ओयंग चलिए यार मेरा सब कुछ ठीक हो गया है हम लोग लौट सकते हैं, इसको लगा था ओयंग का हाथ है, ओयंग का हाथ नहीं था, अरे ताबूत में जो लड़की यहाँ पे थी ना छोड़ी बच्ची ये उसका हाथ यहाँ पे था, देख सकता है सब भूत जैसा मुंह बनाती है, जो देखे एकदम यह डर जाता है। अब आते हुए बड़े भाई लड़के की ओर जहाँ पे लड़ाई करने लग गया था, लेकिन एंड में कुटाई होती है, बहुत ही कुटाई हो जाती है। ये भी कहता यार मैं तो तुमसे जीत ही नहीं पाऊंगा, वो कहते हुए तो तुम हमसे बिल्कुल भी जीत ही नहीं पाओगे, हाँ तो जो हम बोल रहे ना चुपचाप हमारी बात मान लो। ये भी कहता बोली यार आपको एग्जैक्टली बताना क्या है, ये कहती दो कंडीशन यहाँ पे पूरी करो, सबसे पहली कंडीशन ये आज ये जो कुछ यहाँ पर हुआ ना इसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे, और सेकंड ये जो है ना भाई पाइलिंग जब तक कोई इनर सेट में नहीं पहुंच जाता तुम ना उसको हाथ भी नहीं लगाओगे। ये भी कहते एक सेकंड जब तक कोई ना इनर सेट में नहीं पहुंच जाता जब तक, यानी इनर सेट में जाने को उसको जहां से मार सकता हूँ, ये बताते कि इनर सेट में गया और तुम्हारे हाथों से मर गया, इससे यही साबित होगा कि उस बंदे में दम नहीं है और नल्ला बेरोजगार है, हमारे मास्टर जी के लायक बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, तो उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुमको जो कुछ करना है तुम कर सकते हो। ये भी खुशी यानी कि उस समय के लिए बस इंतजार करना है, और जैसे ही इनर सेट में आएगा ना उसकी मौत कुत्ते से ज्यादा गहरी में दूंगा। तो सामने से शपथ खा लेता कि भाई मैं शपथ यहाँ पे खाता हूँ, एक तो आज जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, और जब तक कोई इनर सेट में नहीं पहुंच जाता मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो बोलिए खुश, वो सामने से कहती खुश, अरे बहुत खुश यहाँ पर। ये भी कहता फिर तो अब मैं यहाँ से जाने के आगे चाहूंगा, वो आगे आती है उसको चाय देती है
को कहती नहीं ये चाय पी लो तब जाके यहाँ से जाना। अब आते हुए हमारे मेक अटैक की ओर जाके हमने देखा था वो जो भूत यहाँ पे थी ना वो ऐसा हमला करी थी एकदम डरा यहाँ पे रही थी, ये भी चौंक जाता और साथ ही में जो ओयंग थे ना बाजू में बेहोश पड़ी हुई थी, ये भी करफूस यहाँ पे चल क्या रहा है एकदम वो पगला चुकी थी और पगलाने के जो जो से है करके बस हंसे जा रही है। हमारा पायलिंग भी कन्फ्यूज भाई क्या हो गया है ये इसको हो क्या रहा है कहीं पगला वाला गई क्या कंट्रोल के बाहर चली गई है क्या। और तभी ताबूत के अंदर से चैन यहाँ पर आता है जो उसको पकड़ के खींचता है और खींचने को देना अंदर लेके उसको वहीं पे बंद कर देता है। हमारा मेकअप भी देखता है दोनों इसके साथ हो क्या रहा था, मुझे लगता है शायद ल्यू है ना ल्यू यहाँ पर आ चुकी रहेगी, तो ल्यू नहीं थी भाई ये वाली यहाँ पे थी जो हमने देखा भी था वो भी आगे आती है कहती है हेलो यार कैसे हो, ये भी कहता है मिस्टर नू आपका स्वागत यहाँ पर है मनी कन्फ्यूज पे जहाँ तक मुझे मालूम है। जो ल्यू यहाँ पे थी ल्यू हमेशा आती थी ये तो नू यहाँ पर है ये आज क्या करिए उसके बदले। तो सामने से पूछते कि आज आप यहाँ पर हो ल्यू यहाँ पे नहीं है, ये बताती जो ल्यू यहाँ पर है ना ल्यू को सजा यहाँ पे मिली है तो वो सजा यहाँ पे भुगत रही है इसलिए नहीं आ पाई, उसके बदले ना आज मैं यहाँ पर आ गई हूँ वही आपको ये सेवा पानी करने के लिए, ये खुद सेवा पानी करने के लिए यानी पक्के इसको मेरा बॉडी गार्ड बना के भेजा गया होगा जो जहाँ जहाँ जाऊँगा ना वहीं वहीं यहाँ पर आएगी, यानी भाई अब तो सेड में आराम से घूम सकता हूँ जब तक मेरे पास रहेगी। सामने से बताती आज फायर रिफाइन करके आपने कमाल कर दिया कमाल यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन ये कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं थी जो नल्ले बेरोजगार लोग ना हमारे मास्टर ली को बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आता, तो आपको ना और कुछ बड़ा करके साबित यहाँ पे करना ही पड़ेगा कि आप कमाल के हो, वो नली आपको धक्के मार के अपनी जिंदगी से काफी दूर यहाँ पे कर देगी, समझ यहाँ पे गए क्या। ये भी सोचता यानी बस मुझे वार्निंग देने आई थी ना कि सामने से मेरा बॉडी गार्ड बनने आई थी, इसलिए कहता हाँ हाँ मैं समझ गया आपके पास कोई टेक्निक है क्या जो आप मुझे सिखा सको, वो गायब हो जाती है। और हाँ जाने से पहले उसने ओयंग को हील यहाँ पे कर दिया था, ये भी लौट जाते जेंग के पास, जेंग को पूरी कहानी बताते कि ऐसा ऐसा हुआ था, जेंग भड़क जाते क्या मेरे दोनों डिसिपल ने गद्दारी कर दी, यहाँ तक बड़ा भाई खुद आया था ये फाइट वाइट करने के लिए, ये भी कहता है सेम टू सेम ऐसा हुआ था, बाद में इन्होंने कॉफी नहीं यहाँ पे उसकी फाइट करने के लिए, कॉफी में जो लड़की थी ना एकदम पगला गई थी कंट्रोल के बाहर चली गई थी तो मिस न्यू एंड टाइम पर आ गई और आती उन्होंने हमारी जान बचा ली, वन आई डोंट नो हमारा क्या इंजाम होता, ओयंग बताती वो भी हुआ साथ ही में भाई उन दोनों का जो ब्लड एसेंस है ना वो मिस्टर पाई ने ऑब्जर्व कर लिया अपनी टेक्निक में, ये भी कहता बढ़िया किया यार उस साले गद्दार लोग मरना डिजर्व करते, हाँ तो वो दोनों मर गए बड़े भाई का क्या हो गया वो कहां पे चला गया था। तो ये बात आती कि आई डोंट नो यार वो अचानक से एकदम गायब भी हो गया, बाद में मिस नू आके मिली तो जाहिर सी बात है कि शायद हो सकता मिस नू ने उनको गायब यहां पे कर दिया होगा। जेम को कहता बहुत ही बढ़िया उनू ऐसी यार उनके हाथों में कोई दुश्मन यहां पे लग जाएगा ना अगर जहां से नहीं मारेगी तो भी कुत्ते की मौत यहां पे मारेगी, इतना मारती कि बेचारे को बड़ी तकलीफ हो जाएगी यानी उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा मेक अटैक कहता उनका कोई टेंशन भी ले नहीं रहा यार आपसे कहना चाहता था कि मैंने तो ये कर लिया ना ये कहता यस तूने यहां पे कर लिया था जो फाइन यहां पर है भाई क्या बोलते 74,000 का 74,000 के अभी 74 लाख है ना वो तू आराम से भर सकता है। हमारा मेकअप सोचता है यार मुझे लगा कि अगर मतलब ऐसा कुछ करूंगा तो मेरे बदले ये भर देंगे यानी एंड में भरना मुझे ही पड़ेगा, ये बताता हूँ कि ठीक है भाई तुम दोनों थक चुके रहोगे जाके आराम कर लो और पाइलिंग तुम्हारे लिए मैं कमरा वमरा अरेंज करता हूँ तुम जब तक वहीं पर आराम कर सकते हो, एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।